रोचक हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव। एक दो नहीं चार देवियों के बीच होने जा रहा है मुकाबला। जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। अन्य जिलों में मामला आमने सामने या त्रिकोणीय है, लेकिन यहाँ के मुकाबले की तस्वीर सबसे अलग दिख रही है। सपा ने बहुत पहले ही यहां से निशी यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, तो वहीं भाजपा ने प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल के दबाव में ये सीट अपना दल के खाते में चली गई। शुक्रवार को अपना दल पार्टी ने रीता पटेल को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस बीच भाजपा से प्रबल दावेदार रही नीलम ने भी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। निशी, रीता और नीलम के त्रिकोण के बीच चौथा कोर बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बन रही हैं। चारों प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। अपना दल एस से मैदान में उतर रही रीता पटेल पार्टी के जिला महासचिव राकेश पटेल की पत्नी हैं। रीता पटेल अपने पति के साथ पिछले 7 सालों से अपना दल एस में सक्रिय रही हैं। हैट्रिक की तैयारी में जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र यादव की पत्नी निशी यादव के सहारे जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। 1995 में आखिरी बार भाजपा ने यहां जीत दर्ज की थी। फिलहाल सपा से निशी यादव, अपना दल एस की रीता पटेल के अलावा पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी और भाजपा की जिला पंचायत सदस्य नीलम सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अध्यक्षी का सहरा किसके सिर पर बंधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक भारत।